हेलो माय डियर लर्नर, वेलकम इन स्काई क्लासेस। इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ हाउ मेनी नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल्स। सो यू नो व्हाट, जनरली हमें लगता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग एनर्जी। सो ऑलमोस्ट किसी सेल में वन ही होते होंगे या टू होते होंगे, बट इनके नंबर वेरीज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सेल एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो अगर हम यहाँ एग्जांपल देखें, सो द फर्स्ट वन एग्जांपल इज यूनिसेलुलर एल्गा। एक यूनिसेलुलर एल्गा, फॉर एग्जांपल देयर नेम इज़ व्हाट, माइक्रोस्टेरियास। तो इसकी बात करें, सो वन लार्ज माइटोकॉन्ड्रियन प्रेजेंट होता है। ओके, इससे पहले भी हमें पता है कि अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनेल ही एज अ प्रेजेंट होता है। ईस्ट की बात करें, सो दे हैव लेस दैन 10 माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट। सो बिकॉज ऑफ ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है तो इसमें 10 नंबर में ही प्रेजेंट होते हैं। देन थर्ड वन इज लीवर सेल। लीवर में देखिए मैक्सिमम है 1000 से 1600 होते हैं। ओके, नेक्स्ट स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर, इनमें होता है मैनी थाउजेंड्स में होता है। एंड देन सम ऊसाइड्स की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर 30,000 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। किडनी की बात करें, सो 300 to 400 नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो भी नंबर्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, ये सेल्स को कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की उसके बेस पर है। जैसे हम बोलते हैं कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं प्रेजेंट होते, दे लैक यू नो माइटोकॉन्ड्रिया। देन जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें भी नहीं प्रेजेंट होते, तो समथिंग यू नो लाइक प्रोकैरियोट्स में मीजोसोम प्रेजेंट होते हैं जो एज अ रेस्पायरेशन में वर्क करते हैं। सो शेप एंड साइज़ की बात करें, सो वेरीज़ अ लॉट। इट्स विड्थ रेंज की बात करें, सो 0.6 to 2.0 नैनोमीटर होते हैं। एंड लेंथ की बात करें, सो वो भी ऐसा ही कुछ है। एंड द डायमीटर डज नॉट एक्सीड 1 नैनोमीटर।